इंस्पेक्टर साहब, आज किसे जेल छोड़ने आए हैं? अब मैं इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ ठाकुर बलदेव सिंह हूँ। क्यों, कतरों से खेलने का शौक छूट गया ठाकुर साहब? अपनी बहादुरी पर अगर इतना ही घमंड है तो एक काम करोगे मेरे लिए? हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। कितने चाहिए? 1,000 हो तो इसकी फिक्र क्यों करते हो? कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं। गब्बर सिंह, वो मशहूर डाकू? हाँ वही। सुना है उस पर तो पुलिस ने कुछ इनाम भी रखा है। 50,000, जिंदा या मुर्दा। तुम्हें उस डाकू को मेरे लिए पकड़ना है, जिंदा। गब्बर सिंह को पकड़ना है, वो भी जिंदा? ठाकुर साहब, गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़े और पकड़ लिया? जानता हूं काम मुश्किल है, लेकिन आसान कामों के इतने पैसे नहीं दिए जाते। चलिए माना हमने अपनी जान पर खेल कर किसी तरह गब्बर सिंह को पकड़ भी लिया। आप चाहते हैं 20,000 में हम उसे आपके हवाले कर दें और आप घर बैठे 50,000 कमाएं? पुलिस का इनाम भी तुम्हीं को मिलेगा, मुझे सिर्फ गब्बर चाहिए। कोई पुरानी दुश्मनी? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं। तो कुछ और पूछें ठाकुर साहब, आपकी नजरों में हम भी तो चोर बदमाश हैं, फिर उस डाकू को पकड़ने के लिए आपने हम दोनों को क्यों चुना? इसलिए कि लोहा लोहे को काटता है। रामलाल, ये 5,000 हैं, दूसरे 5 जब तुम रामगढ़ आओगे, बाकी के काम खत्म होने के बाद। पार्टनर, क्या बोलता है? हेड, चलते हैं। टेल, नो। पहले ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो, मुझे बेफुजुल बात करने की आदत तो है नहीं, चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई, हमको तो चलना नहीं है। चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। तुम बाहर निकले तो मैंने सोचा कि तांगा करोगे तो पूछ लिया, अब कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। अरे ये तो बसंती का तांगा है, किसी जमींदार की बेकारी थोड़ी है कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। तो आज तो वही मिसाल हो गए कि हाँ चलिए, चलना है चलना है चलना है यार। हाँ हाँ तो आ जाओ, मैंने कब मना किया? देखो, मुझे बेफिजुल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले इसे बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना। बसंती जो बोल गई सो बोल गई। हाँ तो ठीक है, हम तो हाँ समझ गई। तो यही पूछोगे ना कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? तो पूछो कि तांगा किस गांव का है। पूछो पूछो। किस गांव का है जी? रामगढ़ का है। अच्छा, तो रामगढ़ का है। यूं कि देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी लें तो 2 चक्कर हो जाते हैं, यहाँ से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और अगर रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए, यूं कि तांगा भी रामगढ़ का है और हम भी रामगढ़ के हैं। ये तो हुई हमारी बात, अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? यूं के हम भी रामगढ़ ही जाएंगे। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? क्योंकि वहाँ किसके घर जाना है ये तो बताना ही पड़ेगा कि बसंती उस घर को ले चलो, क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता कि तुमको जाना कहाँ है तो हम तांगा रोकेंगे कहाँ, और अगर हमने तांगा नहीं रोका तो तांगा रुकेगा कैसे? क्योंकि देखने वाली बात ये है कि तांगा चला कौन रहा है, तांगा हम चला रहे हैं, और अगर हम ही ये न जाने ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है
चलो, मैंने कब मना किया? तो फिर बोलो ना ठाकुर साहब के घर जाना है। चार धन्नो, क्योंकि ये तो वही मिसाल हो गए हैं। तो आप समझो ये कि माँ बाप तो हमारे पहले से नहीं थे, और फिर मौसा के बाद मौसी और तांगे की जिम्मेदारी किस पर आ गई? हम पर आ गई। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि बसंती लड़की होकर तांगा चलाती हो, तो हम उसका जवाब ये देते हैं, धन्नो घोड़ी होकर तांगा खेल सकती है, तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती? बोलो, इसमें क्या बात है? शहर में भी तो लड़कियां मोटर गाड़ियां चलाती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। रहने वाले शहर के हो लेकिन समझदार लगते हो। क्या नाम है? वीरू। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बकबक 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 करता रहता है। क्योंकि हमने आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। बसंती बड़ा प्यारा नाम है। हमारा नाम बसंती क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक बात है। क्या बात है? बताओ बताओ। वह ये कि जब मैं छोटी सी थी तब मौसी के देवर की सास ने कहा। क्या कहा? बात करने की आदत ज्यादा है। ये रहा तुम्हारा 1.5 रुपया। यूँ कि तुम आदमी अच्छे हो इसलिए तुमसे पैसा तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? इसलिए हम ये 1.5 रुपया ले लेते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। चल धन्नो पलट। हाय, क्या प्यारी बातें करती है। प्यारी नहीं, बहुत सारी बातें करती है। चल, यहाँ लड़की देखी, लाइन लगाना। चलो चल चलना। आइए आइए आइए। नमस्ते ठाकुर साहब। यहाँ पहुंचने में तकलीफ तो नहीं हुई? जी कोई खास नहीं। आइए, अगर एक खत डाल देते तो मेरा आदमी स्टेशन आ जाता। तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है, किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। रावलाल। मेरा वादा था गांव पहुंचते ही तुम्हें 5,000 मिल जाएंगे। काम अच्छी तरह याद है ना? मुझे गब्बर चाहिए जिंदा। जी हाँ याद है, आपको गब्बर चाहिए और जिंदा चाहिए, मिल जाएगा। थके हो गए, आराम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। आइए। आइए। सुनिए, आप लोग वहां चलिए, मैं चाबी लेकर आता हूं। तिजोरी में काफी माल है। लगता है इस गांव के लोग सोना बहुत पहनते हैं। बोल क्या बोलता है? काफी बड़ा मकान है। अच्छा है, कौन कौन रहता है यहाँ पर? चाबी, ये आपके रहने की जगह है, किसी चीज की जरूरत हो तो पुकार लीजिएगा। पुकार लेंगे। यार वीरू, चक्कर क्या है कुछ समझ में नहीं आया। हमें क्या लेना है जय,
10,000 ठाकुर ने दे दी हैं, बाकी आज रात को तिजोरी में झाड़ू मारकर फूट चलेंगे। ठीक है, अगर रात को जागना है तो अभी सो लें। चल। ठाकुर साहब, ये लोग? ये मेरे आदमी हैं। तो फिर इन्होंने हम पे हमला क्यों किया? मैं देखना चाहता था अब भी तुम्हें वही हिम्मत और ताकत है या वक्त की दीमक ने तुम्हारे बाजुओं को खोखला कर दिया। तो फिर क्या देखा आपने? मैंने देखा तुम्हें यहां बुलाकर मैंने कोई गलती नहीं की। एक गलती की ठाकुर साहब, हमें तिजोरी खोल कर दिखा दी। तिजोरी की चाबी, इसमें मेरे वो गहने जो मेरे लिए बेकार हैं, मुझे अब कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े बहुत पैसे हैं, वो भी ले जाओ। अच्छा, बाबूजी की झूठी उम्मीदें तो टूटेंगी जो उन्होंने तुम लोगों से लगा रखी है।